नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु मिश्र आज आपसे बात करूंगा रमई काका। हमारे अवधि के बड़े प्रसिद्ध प्रगतिशील चेतना के कवि हैं। असल में ये इन लोगों ने रमई काका, पढ़ी सब, बंशीधर शुक्ल वगैरह सब जो बड़े कवि हैं, इन्होंने दोनों सदियां देखी हैं और उन दोनों सदियों में अंग्रेजों का जुल्म भी देखा और पराधीनता भी देखी। तो ये कविता जो इनका एक बड़ा सुंदर बिंब है प्रभात का, तो मुझे बहुत ही सुंदर और क्या कहें, बहुत मतलब इतना सुंदर लगता है कि उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। खासतौर से अवधी कविता में ऐसी सुंदर पंक्तियां नहीं मिलती हैं और एक तरह से किसान का सौंदर्य शास्त्र इसको हम कह सकते हैं जो वो रखते हैं प्रभात वर्णन में। तो शीर्षक है नई किरण। तो ये कविता है नई किरण और आप देखें कि किस प्रकार से अंग्रेजों का राज है और अंधेरा अंधेरे बादल काले छाए हुए हैं और उसी बीच में नई किरण निकलती है और वो जो नई किरण है वो कैसी है वो आप देखें, किस तरह से पूरे परिवेश को प्रकाशमय बनाती हुई चलती है। कि हर भीत पर किरण कै अब छाप लाग गई है, भीत दीवार, हर एक दीवार पर किरणों का छापा लग गया है। छाप शब्द प्रयोग करते हैं इसको लोक बिंब में देखें कि शादी विवाह में जिस तरह से ऐसा अवसर जब आता है तो छापा लगाया जाता है, पीठ पर थापा लगाते हैं, घरों में दीवारों पर थापा लगाया जाता है। तो आइपन होता है, आइपन माने हल्दी और चावल का मिला करके उसको एक आइपन बनाया जाता है और उसके छापे माने चिन्ह हाथ की हथेलियों के चित्र लगाए जाते थे पहले शुभ काम के लिए। तो हर भीति पर किरण कै अब छाप लाग गई है, शुभ काज मां ज्यों आइपन कै थाप लागी गई है, जैसे आइपन थाप दिया गया हो। और बिंब देखें कि टूटही रहा मड़ैया मौका लगाए लीन्हे से, वो जो किरण परी है जो अभी अभी उदित हुई है लेकिन उसने मौका लगाया, टूटी हुई किसान की मड़ैया के ऊपर से झांकना शुरू किया और नीचे उतर आई। तो झांक कहां से रही, जो फटा हुआ हिस्सा है छप्पर का उससे वो झांकती है और नीचे आ रही है। तो टूटही रहे मड़ैया मौका लगाए लीन्हे से, नीचे उतरे और नीचे उतर आई उसी फटे में से। और उतरने के बाद उसने जो किया वो बड़ा विचित्र है कि किरण ने चौका लगा दिया है। चौका माने वो क्रिकेट वाला चौका नहीं है, लीपना पोतना वो वाला चौका है जो सर्वेश्वर के यहाँ है। उषा एक कविता छोटी सी है सर्वेश्वर की, राख का लीपा हुआ चौका। तो उस अर्थ में यहां पर उस किरण ने चौका लगा दिया है और इस चौके को किस तरह से कवि कहता है कि ऊपर से उतर के आई, मौका मिला तुरंत, अवसर मिला तुरंत चौका लगा लिया उसने। चौका भोजन आदि निर्माण से पहले की प्रक्रिया है, साफ सफाई और स्वच्छता के अभियान से भी जुड़ी हुई है। तो ये इस तरह का एक बिंब वहां पर वो देते हैं। फिर कहते हैं आगे देखिए कि वो किरण और क्या करे कि खटिया तरे लखत है लड़का अजब तमाशा, खटिया के नीचे एक खरखट्टी खटिया पड़ी हुई है। खरखट्टी खटिया मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस पर कोई बिछावन नहीं है। अब वो बिछौना के बिना जो खटिया है उसमें जो छेद बन जाते हैं उनके ऊपर सूरज की जब किरणें पड़ती हैं तो नीचे नई नई चित्रकारी प्रकट होती है, नई नई छवियां दिखाई देती हैं। तो कई बच्चे वो उनको बताशा समझ करके, उनको लगता है बच्चों को कि ये बताशा चुआ दिए हैं, धूप दीदी ने, धूप बहन ने, धूप धिया ने, एक तरह से जैसे बताशे टपका दिए हैं, प्रकाश के ज्योति के बताशे। तो ये बिंब उनका है। फिर आगे वो कहते हैं वो बच्चे तमाशा देख रहे हैं उसको, मतलब खेल समझ करके उनको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं उन बताशों को। तो उतरी गगन की पुत्री, आगे देखिए, उतरी गगन की पुत्री ऊपर रही है भटकी, गगन की वो पुतलियां जैसे कठपुतलियां उतरती हैं मंच पर, कुछ उस तरह से वो किरणें, भटकती हुई किरणें उठ आई हैं और आने के बाद पहले किसी खजूर पर अटक गई हैं। माने किसी और बहाने से
जो आजादी मिलनी थी, जो स्वतंत्रता मिलनी थी, वो मिल नहीं पाई है अभी पूरी तरह से, तो वो कहीं अटक गई हैं चीजें, माने आजादी अभी अधूरी है, कुछ इस भाव से भी वो जोड़ते हैं। और खजूर पर अटकी हुई लटक कर प्रतीक्षारत किरणों की भी बात रमई काका करते हैं। आगे देखिए कि अब ही निकी तनाते उजियार उभा नहीं है, तो कहते हैं कि अभी अच्छी तरह से निकी अच्छी तरह से अभी उजियाला हुआ नहीं है, असंघर्ष हो रहा है, अंधियार उगा नहीं है। तो संघर्ष अभी जारी है, अभी उजाला आया नहीं है पूरी तरह से, और अंधेरा पूरी तरह से गया भी नहीं है, तो हम अभी युद्ध में हैं। कुछ ऐसी स्थिति आज भी है, तो मैं इसलिए आपको ये सामने कविता रख रहा हूं कि बिरछन की फूल पाती किरणें जगाए दीने में, किरणों ने क्या किया कि वृक्षों की फूल और पत्तियों को हिला हिला करके मानो जगा दिया है। और जब जगा दिया है तो क्या हुआ कि छाया जो थी उनके नीचे, छाया एक निर्धनता का, अतीत का, और उसका प्रतीक है गुलामी का, तो उसके कपड़े फट गए हैं। छाही के फाट कपड़न प्यौंदा लगाए दीन्हे, जो छाया प्रतीक है अतीत का, उसको फटे हुए उसके कपड़ों पर मैंने माने उन किरणों ने पेबंद लगा दिया है, प्यौंदा लगा दिया है। आगे देखें कि पूरब का लाल गैया, इन पंक्तियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पूरब की लाल गैया, पूर्वी सभ्यता की हमारी लाल गाय, ऐसा लगता है कि नभ में पन्हाई हुई खड़ी हुई है। पन्हाना जो शब्द है अद्भुत है साहब, और नभ में आकाश गंगा, आकाश में कोई गाय ऐसी उषा के रूप में उसका मानवीकरण करते हुए रमई काका कहते हैं वो पन्हा गई। पन्हाना शब्द वो जानते हैं जो दूध दोहन जिन्होंने किया होगा, दुग्ध दोहन या दूध वाले, तो पानी वानी छिड़क करके स्तन थन धोए जाते हैं पहले गाय के भैंस के, और फिर धीरे धीरे सहला करके वो दूध जो निकालने की प्रक्रिया से पहले की स्थिति है वो है पन्हाना। तो बछड़े को आगे भेज कर, और उससे भी हम पन्हा लेते हैं गाय को, तो वो पन्हा करके खड़ी हुई है वो गाय, माने बिल्कुल वो जो अमृत है, जो दूध है, जो आजादी है, वो जो अनेक में भैंस में वो प्रकट होने वाली है। किरणन के धार दुहि कै धरती नहाए गए है, तो उन किरणों की धार से का दोहन करते ही धरती नहाती जा रही है, आह्लादित होती जा रही है, जो उसको कहते हैं दूधो नहाओ। आगे देखिए कि बदरन के कार पर्दा थोरे तने नहीं है, बादलों के जो काले पर्दे हैं वो थोड़े तने नहीं है, मतलब पूरी तरह से न तने हैं और न पूरी तरह से वो फटे हैं, हटे हैं। तो वो जो पर्दा होता है उसको थोड़ा सरका दिया गया है, थोड़ा हटा हुआ है, थोड़ा पड़ा हुआ है। बादल प्रतीक हैं दास्ता के, अतीत के, और तो वो थोड़ी पूरी तरह से हट नहीं पाए हैं। और किरणन का रोक राख है यतने घने नहीं है, किरणों को रोक लें, उनको ना आने दें, ऐसी संभावना भी उन बादलों में अब बची नहीं है, क्योंकि वो नष्ट होने वाले हैं, नष्ट प्राय हैं, बहुत जल्दी वो उड़ जाने वाले हैं। तो भारत बदरन के हौसला सब छिनमा हेराए जाइए, आगे अंतिम में ये पंक्तियों में कहते हैं रमई काका कि बादलों का जो हौसला है वो क्षण भर में सब खो जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व युद्ध की आंधी चल रही है, तो आंधी है ऐसी डोली, कुछ ऐसा आंधी डोल रही है कि बादल बिलाए जी हैं, ये जो अंग्रेजों की दास्ता की जो गुलामी है ये नष्ट हो जाने वाली है। तो ये हमारे हैं पंडित चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका, अवधि के जो महान कवि मैं इनको मानता हूं, वो कई कारण हैं कि जो व्यंजना है, जो इनकी कविता में जो चमक है कविता में, और शब्दों को ठीक ठिकाने गद्य में भी और कविता में भी, दोनों में महारत हासिल है रमई काका को, तो इसलिए मुझे बहुत प्रिय है वो कविता जो मैंने आपके सामने रखी। अब मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा धुन में भी एक बार आपके सामने हो जाए, तो लीजिए, बहुत तो समय नहीं है। छोटी छोटी कविताओं के बहुत बड़े कवि हैं रमई काका। हर भीति पर किरण कै अब छाप लागी गई है, शुभ काज माज्यों अइपन की थाप लागी गई है, टूट ही रहे मड़ैया मऊ का लगाए लीन है सी,
नीचे उतर किरनिया चौका लगाए दीन है से खटिया तरे लखत है लरिकाया जब तमाशा अकिरन चुआ दीन है निह धूप कह बतासा उतरी गगन की पुतरी उपर रही है भटकी पहले खजूर परई किरण रही है अटकी तो अब हीन की तनाते उजियारु भा नहीं है अब हीन की तनाते उजियारु भा नहीं है संघर्ष हुए रहा है अंधियारु गा नहीं है बिरछन को फूल पाती बिरछन को फूल पाती किरणन जगा किरण जगाए दीन बिरछन की फूल पाती किरण जगाए दीन छाही के फाट कपड़न प्यौदा लगाए दीन पूरब कैलाल गैया नभ मापनाए गई है किरणन के धार दुही के धरती नहाए गई है बदरन के कार परदा थोरे तने नहीं है अकिरणन करो कि राख यतने घने नहीं है और अंतिम है कि बदरन के हौसला सब छिन माहराए जई है आधी है ऐसे डोली बादर बिलाए जई है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु मिश्र और आपसे बात कर रहा था मैं रमई काका पर। रमई काका हमारे अवधि के बहुत बड़े कवि हैं और छोटी छोटी कविताओं के बड़े कवि हैं, महाकवि हैं ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। आज आपके सामने मैंने उनकी बात की, उनकी एक कविता रखी। असल में ये कोरोना काल है तो नई किरण की प्रतीक्षा हमें आज भी है। मुझे लगता है कि ये जो नई सुबह होगी जिस दिन पूरी दुनिया से ये अंधेरा मिटेगा, तो इसकी प्रतीक्षा हम सब करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ अगर तो नीक लगता है, कहीं अच्छा लगे भैया, तो रमई काका के साथ साथ इस कविता को पढ़ें, सुने, जाने और बहुत सुंदर सुंदर कविताएं हैं। मैं फिर आपसे मिलता रहूंगा, तब तक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भारतेंदु मिश्र की दुनिया चैनल पर हैं।